हेलो बच्चों लेट रीड द क्वेश्चन व्हाट विल बी हैपनिंग इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एट अ प्लेस मतलब किसी एक सर्टेन एरिया में सडनली अगर ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ जाए तो क्या हो सो द की कांसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉम्पिटिशंस इन इकोलॉजी यहाँ पे हम बात करेंगे कंपटीशन इन इकोलॉजी की अब क्वेश्चन में क्या कहा क्वेश्चन में कहा कि कोई रीजन है जहा सर्टेनलीगेनिज्म किस, किसी, किसी, के सडनली नंबर बदल नंबर जो है इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा सो so, सीधी बात है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा है तो उसको क्या चाहिए उसको अपने लिविंग के लिए चाहिए होते कुछ रिसोर्सेज और वो रिसोर्सेज वहां मौजूद होते हैं एट अ सर्टेन नंबर अब मान लेते हैं सडनली इस ऑर्गेनिज्म का अमाउंट डबल हो जाए सो so, जो रिसोर्सेज है वो तो अभी भी उतने ही stable है उतने ही स्टेबल है सो so, ये जो डबल ऑर्गेनिज्म होगी दिल स्टार्ट कॉम्पिटिंग एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे किस चीज के लिए इस रिसोर्स के लिए क्योंकि अब सबको खाना खाना है सबको पानी पीना है तो वो रिसोर्स के पीछे भागेंगे तो इस कॉम्पिटिशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला आता है इंट्रा स्पेसिफिक और फिर आता है एक तो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक सो एक बार इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सो so, स्पेसिफिक में क्या होगा कि आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा लेकिन कंपटीशन किन के बीच में देखने को मिलेगा? तो वो होगा बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसी अचानक से सेम स्पीसी के नंबर बढ़ जाए और इंटर स्पेसिफिक होगा कि जब आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिले इन डिफरेंट स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्या इन्होंने हमें बताया कि स्पीसीज सेम है या नहीं है ये नहीं बताया इन्होंने सिर्फ बोला की ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बढ़ गया है। so, question में सीधा बोला की एक सर्टेन एरिया पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑलरेडी रह रहे थे राइट ऑर्गेनिजम ऑलरेडी रह रहे थे और जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे रहता है तो वो अपना खाना पीना सब देख के रखता है राइट कोई अगर शेर है तो शेर जहां पे भी होगा वो देखेगा कि उसके आसपास खाने को सब है या नहीं वरना वो आउट करते हैं राइट सो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पैक में रहते हैं शेर भी अपने पैक में है अब मान लेते हैं अचानक से और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए अब हमें नहीं पता कि ये जो ऑर्गेनिज्म आए हैं कि क्या ये भी सेम ही स्पीसीज है या कि ये, कि ये शेर ही है ये भी तो हो सकता है कि वो आ, कोई डियर हो या कोई आ, दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हो वो हो सो so, अगर डियर डियर आ गए तो डियर तो फिर इसके रिसोर्स में ही आ गया शेर के तो फिर हो गया वो किसका एग्जाम्पल इंटर स्पेसिफिक का एग्जाम्पल और अगर मान लेते हैं कि अगर शेर ही आए सेम स्पीसीज आई है तो ऐसे तो वो रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन करेंगे राइट तो ये है इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक सो so, क्वेश्चन में हमें वेगली पूछा गया था कि अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगी तो आप कौन सा कॉम्पिटिशन देखोगे तो यहाँ पे हमें इंटर स्पीसीज भी दिख सकता और इंट्रास पीसी भी दिख सकता है मतलब दोनों दिख सकते हैं सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर आप स्पेशल नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडस ही दिखेगा या इंट्रास ही दिखेगा राइट सो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन रियली वेल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक